कितने छोटे हैं अपन। इधर आ जाओ प्लीज। सर ये तो डॉग से भी हल्का है। माँ बैठी हुई है पर कंडीशन खराब है उसकी एलएसटी की वजह से, और बैठे बैठे उसने इसकी डिलीवरी की हुई है। माँ को कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं वहाँ? नहीं दे रहा कोई। वो पशु वाले को वाले वो कर रहे हैं ना ट्रीटमेंट, उनको इन्फॉर्म कर देना एक बार। सर कांप भी रहा है ना भयंकर, इसको स्वेटर पहना दूँ ठंड से बचाने के लिए? जो कुछ आर्टिफिशियल कोलेस्ट्रॉल 2 दिन दे सकते हैं या 5 दिन कर देंगे। चलो पी लो दूध, पी लो पी लो बस। देखिए कैसे पी रहा है। माँ एक बार उठ जाएगी तो वापस छोड़ देंगे सर, लेकिन अभी तो कुछ था। कहाँ उठेगी माँ? आ जाओ। इस बच्चे की माँ अब दोबारा खड़ी हो सके इसकी संभावना तो बहुत कम है, क्योंकि है क्या ना तो लोग इनके खाने पीने में न्यूट्रिशन का ध्यान देते हैं, और ना ही गाय के पास बाहर जाके चरने के लिए कोई चरागाह है। तो दूध दे देके उसके शरीर में कैल्शियम की इतनी कमी हो चुकी होती है कि कई बारी डिलीवरी के बाद वो ऐसे बैठती है कि फिर वो कभी खड़ी नहीं हो पाती। तो फिलहाल तो यही है कि भाई ऐसी गाय को आप 10-15 इंच का पराल का एक बेड बना के दे सकते हैं ताकि वो थोड़ी कंफर्टेबल हो जाए। अब रही बात बच्चे की, तो इसने तो माँ का पहला दूध भी नहीं पिया जो इसकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसके चांसेस भी खासे अच्छे नहीं है। गुड मॉर्निंग। ठंडी लग रही है बच्चे को? मंकी कैसे? अच्छा, उससे थोड़ा पूछूंगा मैं कैसे। खा रहा है कुछ? हाँ जी खाया तो है, उसने बनाना डाले थे उसको, और एप्पल तो उसने कल शाम को थोड़ा सा खाया था। देखते हैं लूज मोशन कर रहा है। पता नहीं क्या क्या खाया है इसने वहाँ पे। यहाँ पे केले देंगे खुद ठीक होगा। हेलो दोस्तों, भैया होते हैं दे रहे, ये तो तेरा रियल भैया है। वो मैं भैया हूँ। कर रही तू? हेलो हेलो कर रही है? कर रही है? तूने भाभी देख रही है? अभी वीडियो कॉल कर रहे थे भाभी को। ये देख ली तेरी तेरी शक्ल तो पहचान ली इसकी। पहचान ले भैया, ही भैया तेरा। अच्छा अच्छा बस 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 हो गया। इंजेक्शन का इनको बड़ा असर होता होगा। क्या लग रहा है ये, इसका तुम्हें कुछ पास्ट दिख रहा है इसमें? पास्ट नहीं फ्यूचर। नहीं मैं तो सोच रही हूँ कि बचपन में अक्षय ऐसा दिखता होगा, वो बोल रही हूँ मैं। वो बोल रही है, ज्यादा मत बोलो। पहले मेरे को छोड़। ये देखो छोड़ दे। कैसे छोटा अक्षय बड़ा अक्षय को मार रहा था। चलो सीधा कॉलर पे हाथ डाला इसने भी। क्यों क्यों पकड़ा? हेलो खा ले। ये पैच ही है ना, चेक कर लिया ना सर? पूरे हर जगह के वो बूंद ठीक हो गए ना, और इसका जो ये ट्यूमर था पीनस वाला उसमें वो भी ठीक है। न्यूटर सर्जरी से कोई इशू? वो भी ठीक है। इसका हमने एंटी रेबीज का शॉट तो सर्जरी के दौरान ही लगा दिया था। इसके ओनर को मतलब केयर टेकर को मैं फोन कर देती हूँ, इसको आप जल्दी से रिलीज करा दो। एक ये था, हाँ। एक ये था, एक ये पीनस पे ट्यूमर था, एक गले पे था, और इस साइड का ये है, फिर बस ये किए था। सब हील हो गए? हाँ सब हील है। चल चले। इसकी बीबी ने व्रत रखा, आज तोड़ना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा इसके बाद। पालतू डॉग ये है, उसने काट दिया था बड़ी मुश्किल से, इसके पीछे लेबर लगी हुई थी, उन्होंने छुड़वाया इसको। जब हो जाएगा ठीक है तो छोड़ देना इनके ऊपर। दो डॉग बाइट्स मेजर हैं, एक तो पीछे वाली लेग में है और एक पेट के पास में। तो पेट वाला सबसे ज्यादा मेजर इसलिए है क्योंकि जो दांत जिस भी डॉग ने गाड़े हैं वो काफी अंदर तक गाड़ दिए। पेट के बीच का जो गैप है वो पूरा पंचर कर दिया। गैसेस पूरे बॉडी में फैल गई, और साथ में उसका एक और पॉकेट था जिसमें फ्लूइड भरा हुआ था। जो गैसेस है वो पूरी की पूरी अंडर द स्किन फैल चुकी है, और जैसे अगर इसको आप टच भी करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि ये नॉर्मल स्किन नहीं है। एकदम क्रिपिटेटिंग साउंड आती है इसकी। इसका जो कंडीशन है एम्फाइसीमा, उसकी ट्रीटमेंट करने के बाद इसकी सर्जरी करेंगे ताकि जो मांस जो फटा है जुड़ जाए। केजू में जा, अभी केजू में जा।
शायद कुत्ता कितना छोटा सा केस तुम से बाहुबली ने लेके गए थे इसके लिए रिलीज किया था ना हमने। कोई रख ले शेड वगैरह में, हम यहीं पे आके डेली कर देंगे। इसके शेड के नीचे हम करेंगे अभी कर रखे, कोई भी रखेगा ना, सबकी अपने घर में पशु होते हैं, खड़े करने के लिए इसको भी स्पॉट की जरूरत है ना इसको। अभी ट्राई करेंगे ना इसको खड़े करने में। सुबह देखा था इसको गिरी हुई तो पता लगा कि इसको लंपी वायरस हुआ है। पानी वूनी पिलाया इसको मोटर के जरिए, अभी इसको दलिया लाई हूँ बना के, तो देखो अभी खाती कैसे अभी पता नहीं है। ये हम उसका ट्रीटमेंट शीट करने गए थे और वहाँ पे जब हम पहुँचे तो वहाँ पे ऑलरेडी जो फार्मासिस्ट है वो उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो वहाँ पे हमने आंटी को पूछा कि यहाँ पे कोई इसको रख सकता है, क्योंकि हम वहाँ पे ट्रीटमेंट शीट कर देते हैं। तो आंटी ने बोला कि यहाँ पे कोई शेड भी नहीं बनाएगा, अगर किसी ने शेड बना भी दिया तो कोई खाना नहीं देगा, कोई पानी नहीं देगा, तो यहाँ पे तो मुश्किल है। तो आप, उसने बोला कि आप लोग ले जाओ इसको। खड़ी नहीं हो रही ना अपने आप, तो सपोर्ट दे रहे हैं खड़ी होने की ताकि खड़ी हो जाइए। चारों टांगों पे वेट नहीं ले पा रही थी, पहले वो पिछली दो पे ले रही थी पर उसने वो भी डिसकंटिन्यू कर दिया लेना। प्लस उसको लिवर डैमेज था, वो भी काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से उसने खाना पीना छोड़ रखा था। तो हमने उसको फ्रूट थेरेपी पे रखा था ताकि थोड़ा न्यूट्रिशन और एनर्जी उसको मिलती रहे, प्लस वो डिहाइड्रेशन से भी कॉम्बैट हो। पर लेटर ऑन उसको जॉन्डिस डेवलप हो गया लिवर डैमेज की वजह से, फर्दर ट्रीटमेंट करने पर भी सही नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ही उसकी डेथ हुई। अब मुमकिन है कि आपको लग रहा हो कि इस गाय का अंतिम संस्कार कितनी बेअदबी से हुआ, पर यकीन मानिए इस मामले में बाकी सभी गायों से किस्मत वाली निकली, क्योंकि लंपी स्किन डिजीज से मरने वाली गायों को दबाने के लिए सरकार ने जमीन दे रखी है। बाकी गायों के मरने के बाद तो उनकी खाल खींच के उनके शव को सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इंसानों के चार जात के लिए तो चार शमशान घाट हैं, पर गाय के लिए ना तो शमशान है और ना ही इंसिनरेटर की व्यवस्था। चल बच्चा, मैं डर वेनू है वो। हाँ वेनू है, अपना बंदा है। चल तो सीधे जाना है, रॉन्ग साइड नहीं, पुलिस चलान काट देगी सीधे। चल 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 चलिए उधर उधर ये जो गाय है इसको मेनली लंपी स्किन डिजीज हो रखी है। लंपी स्किन डिजीज ये ऑलमोस्ट रिकवर्ड स्टेज में है। लंपी स्किन की वजह से इस बॉडी पे जगह जगह पे घाव बने हुए हैं, उन घाव पे मैगेट वुंड है और स्पेशली ये टेल एरिया में है काफ़ी ज़्यादा, और साथ ही साथ में इसके फ्रंट लेग में काफ़ी ज़्यादा डीप वुंड है। अभी तो हम इसकी फिलहाल ड्रेसिंग स्टार्ट कर देंगे, एंटीबायोटिक्स और पेन किलर हमने इसका स्टार्ट करना है। सर ड्रैगन का कोई दिक्कत आ रहा है क्या? ड्रैगन का इशू मेनली जो उसकी टेल इंजरी थी, टेल इंजरी काफ़ी ज़्यादा थी, टेल इंजरी हील तो हो चुकी है, लेकिन हील होने के साथ साथ एनस वाला जो एरिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया है, जिसकी वजह से उसको तकलीफ आ रही है फीसिस पास करने। हमने जब चेक किया तो हमें पता लगा कि काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन हो रखी है। कुछ पतला करने के लिए बता देना, गोबर पतला जाए तो वो पिला देते इसको, पैराफिन या फिर क्रेमोफिन जो है जो हमारे पास वो पिला देते, फिर पिलाना पड़ेगा, हो सकता है उसके बाद पेट में गैस भी बने थोड़ी। हाँ इस हफ्ते फार्म पे बहुत ही मायूस करने वाले केस आए, ना तो वो बछड़ा बचा जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी, ना ही वो पपी जिसके अंदर फ्लूइड बिल्डअप था, और ना ही वो बंदर का बच्चा क्योंकि उसका घाव बहुत ही पुराना था और स्पाइन के बहुत ही करीब। तो जब तक हम इन्फेक्शन पे काम करते हैं, इन्फेक्शन अपना काम कर चुका था। और जो पिछले हफ्ते हमारे पास गाय आई थी जिसका मुँह फट गया था, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे, तो जब तक हमने फ्लूइड लगा के यूथनेजिया की परमिशन लेने की कार्रवाई शुरू करी, वो खुद ही शौक से ख़त्म हो गई। यहाँ बहुत से ऐसे जानवर आते हैं जिनकी जान बचाना बेहद ही मुश्किल है, लेकिन हमारी प्लेटों पे भी बहुत से जानवर मर रहे हैं और उनकी जान बचाना बेहद ही आसान है।